आज मैं आपको सिखाऊंगी हॉट मिल्क केक, यानी गर्म दूध से बनने वाला एक बहुत ही आसान और मज़ेदार केक। रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है और ये बहुत सॉफ्ट स्पंजी केक बनता है, जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। और मज़ीद मैंने आसान कर दिया है इस केक को ब्लेंडर में बनाकर, तो इसमें किसी किस्म का बीटर यूज़ नहीं करूँगी मैं। और ये मैं ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। आइए बनाना स्टार्ट करते हैं हॉट मिल्क केक को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्राई पैन। फ्राई पैन में जो है वो एक दरमियानी साइज़ का यूज़ कर रही हूँ। इस रेसिपी के अंदर दरमियानी साइज़ का यानी मीडियम साइज़ का फ्राई पैन यूज़ करिएगा, छोटे साइज़ का यूज़ नहीं करिएगा। तो इसमें सबसे पहले मैंने डाल दिया है 1 कप दूध। दूध मैं यहाँ पैकेट का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो डेयरी का भी यूज़ कर सकती हैं। और दूध के अंदर मैंने डाल दिया है मक्खन 1 टेबल स्पून यानी बटर, और इसे हम मक्खन को हम मेल्ट होने देंगे दूध में। दूध यहाँ पर आप डेयरी का भी यूज़ कर सकती हैं, अगर से आप डेयरी का यूज़ करें तो फिर आपको बटर यानी मक्खन की ज़रूरत नहीं है, आप क्रीम वाला दूध ले लीजिएगा यानी मलाई वाला दूध ले लीजिएगा 1 कप। जब मक्खन अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चीनी 1/2 कप यानी आधा कप, और दानेदार चीनी ही डालिएगा लाजमी, मेल्ट हो जाएगी इसी में। और डाल के मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद फ्लेम हम इतना रखेंगे कि दूध जो है बॉयल ना हो यानी उबले नहीं, बल्कि इसके अंदर ही पकता रहे। और इसके बाद जो है हम दूध को इतना पकाएंगे कि दूध जो है 1 कप से 1/2 कप हो जाए यानी आधा कप खुशक हो जाए, और ये जो मिक्सचर है हमारा केक का, हॉट मिल्क केक का, ये बहुत गाढ़ा सा हो जाए। इसे पकाते रहिएगा फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए। मैं यहाँ वीडियो को अब कट कर रही हूँ क्योंकि पकने में थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पे देखिए पकते पकते इतना हो गया है, मैंने फ्लेम बंद करके आपको दिखाया है कि देखें इतना हो गया है। जब आप फ्राई पैन को इस तरीके साइड में करेंगी तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि 1/2 कप ही रह गया है। इसके बाद जो है इसे हम चूल्हे से हटा लेंगे, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद जो है वो गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए जब इतना हो जाएगा तो इसे हम चूल्हे से हटा लेंगे और कम्प्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। इसके बाद हमें चाहिए ब्लेंडर। ब्लेंडर में डाल रही हूँ 2 अंडे। अंडों को हम ब्लेंड कर लेते हैं अब, और मज़ीद कोई चीज़ नहीं डालेंगे हम ब्लेंडर में। और अंडे जो है वो पहले से चेक करके रखिएगा, कोई भी अंडा ख़राब ना हो। अगर से आपने जो है आपको नहीं पता कि चेक कैसे करते हैं अंडे, तो एक बड़े बर्तन के अंदर पानी डाल दें और उसमें अंडे डाल दें। जो अंडे नीचे बैठे रहेंगे वो सही है अंडे, और जो ऊपर तैर के आ जाएंगे तैरने लगेंगे वो अंडे ख़राब हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि सिर्फ अंडा नीचे होता है लेकिन थोड़ा सा खड़ा हो जाता है नीचे ही पानी के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो अंडा जो है वो बासी है, 1-2 दिन पुराना है, तो लेकिन है वो सही है, अभी ख़राब नहीं हुआ है, तो उसे भी यूज़ कर सकती हैं आप। लेकिन कोशिश करें कि जो अंडे बिल्कुल सरफेस पे बैठे हुए हैं उन्हें यूज़ करें, उनमें स्मेल ज़रा सी भी नहीं होती, तो ये चीज़ देख लीजिएगा अंडों में। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है अंडों को सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ 1.5 मिनट के लिए यानी 1.5 मिनट के लिए। तो अच्छी तरीके से ब्लेंड करिएगा। मैंने अंडों को ब्लेंड कर लिया। इसके बाद जो है हम इसमें ही डाल देंगे ऑयल 1/2 कप, और पूरा डालिएगा ऑयल, बचे नहीं ज़रा सा भी कप में। डाल के हम मज़ीद ब्लेंड कर लेते हैं 1/2 मिनट के लिए यानी 1/2 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट का केक ये बनता है, परफेक्ट। और इसकी मेजरमेंट से लेके हर चीज़ बहुत आसान है बनाना आप लोगों के लिए, कोई मुश्किल नहीं होगी ज़रा सी भी इसमें आपको बनाते वक्त। अब हमने ऑयल डाल के भी अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है, इसे रखते हैं साइड में। और हमें चाहिए इसके बाद एक बड़ा बर्तन जिसके अंदर मैदा छानेंगे हम, तो छन्नी से ही लाजमी हम मैदा छानेंगे। तो मैदा मैंने यहाँ यूज़ किया है 1 कप, और 1 कप मैदे के ऊपर ही मैंने डाल दिया है यहाँ पर बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून। डाल के इसके ऊपर ही थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हम कंप्लीट छान लेंगे मैदे को एक ही दफ़ा में। मैदे को अच्छी तरीके से मैंने छान लिया। इसके बाद जो मिक्सचर हमने ब्लेंडर में बनाया था वो डाल देंगे। डाल के मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर हम बहुत हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे, मिक्स करेंगे यानी, और लेकिन इतना मिक्स करेंगे कि इसके अंदर लम्स यानी गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहे। और यहाँ पर देखें हम थोड़ा सा ही मिक्स किया है मैंने। इसके बाद जो है हम अब इसके बाद इतना मिक्स करने के बाद जो है हम मज़ीद चीज़ें डाल देते हैं। देखिए स्टार्टिंग के अंदर हमने जो मिक्सचर बनाया था दूध का वो डाल देंगे, और इसे जब हम डालेंगे तो पूरा कंप्लीट मैंने डाल दिया है। और इसके अलावा ये मिक्सचर ज़रा सा भी गर्म नहीं होना चाहिए, जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाएगा तब इसमें डालिएगा। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया है, पहले मैंने सबसे पहले यही मिक्सचर बनाया था
तो बिल्कुल आप भी इसी तरीके से सबसे पहले जो है इस मिक्सचर को दूध के यानी गर्म दूध के मिक्सचर को बनाइएगा, उसके बाद जो है उसे रख दीजिएगा, बाकी मज़ीद काम करिएगा। तो ये दाल के भी जो है हम मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है, उम्मीद है कि आपको बनाते वक्त कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस केक को मिक्स करते करते लफ्ज़ देखिए ऐसा ऐसा ख़त्म हो गए हैं, और मिक्स करने के दरमियान में ही मैंने इसमें डाल दिया है वनीला एसेंस 1 टीस्पून। डाल के वनीला एसेंस को भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया, लम्स जो है ऐसा ऐसा इसमें सारे ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद हमें चाहिए बेकिंग का मोल्ड यानी जिसके अंदर हम केक को बेक करेंगे। अगर से आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी, इसका लिंक शो रहा है, इस तरह यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। तो उस पर मैंने बताया है कि आप इस मोल्ड की जगह घर में से क्या चीज़ यूज़ कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगाया हुआ है ऑयल से ग्रीस करके, तो उसे कैसे करेंगे, बटर पेपर किस तरीके से कट करेंगे, सब चीज़ें मैंने बता चुकी हूँ उस वीडियो में, क्योंकि इसमें नहीं बताया मैंने क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर से आपको नहीं पता है तो आप जो है उसमें वीडियो में क्लिक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सिंपल मोल्ड को जो है ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया था, और उसके बाद जो है इसमें कंप्लीट बटर डाल दिया है, और डालने के बाद हाथ से टैप कर लिया है थोड़ा सा ताकि एयर बबल्स वगैरह निकल जाए, और उसके बाद बेक करेंगे। अब किस तरीके से हम हॉट मिल्क केक को जो है बेक करेंगे विदाउट ओवन, तो इसके लिए हमें चाहिए मोटा और बड़ा भगोना। इसके अंदर हम ढक्कन को उल्टा करके रख देंगे, तो कोई भी छोटे भगोने का ढक्कन ले लीजिएगा, उसे मैंने उल्टा करके रख दिया है, और उसके ऊपर रख दिया है हॉट मिल्क केक को, और उसके बाद हम कवर कर देंगे और डाल देंगे कोई भी कपड़ा, कॉटन कपड़ा यूज़ कीजिएगा, और डाल के अच्छी तरीके से इसे सही सेट कर लेंगे। अब मैं आपको बेकिंग की टाइमिंग बता देती हूँ विदाउट ओवन। तो इससे पहले 2 मिनट मीडियम फ्लेम कर देंगे यानी दरमियानी आग कर दीजिएगा। किसी किस्म का भगोना मैंने पहले से गर्म नहीं करा है। केक को रखने के बाद जो है 2 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम रखी है यानी दरमियानी आग रखी है, और उसके बाद मैंने आँख हल्की कर दी थी 20 मिनट के लिए, क्योंकि ये केक बहुत ज़्यादा जल्दी बेक होता है, इसलिए आप 15 मिनट पर ही चेक कर लीजिएगा, और 20 मिनट में तो ये रेडी हो जाएगा केक। किस्म का प्री हीट यानी पहले से गर्म नहीं करना है भगोने को। तो ये थी विदाउट ओवन की टाइमिंग, और अब मैं आपको बता देती हूँ ओवन की टाइमिंग। तो इसके लिए सबसे पहले ओवन को हम प्री हीट करेंगे 180 सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए, और उसके बाद बेक करेंगे 180 सेल्सियस पे ही 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये केक ओवन में भी रेडी हो जाएगा 15 से 20 मिनट के अंदर। इसकी बेकिंग टाइमिंग बहुत शॉर्ट है, बहुत जल्दी पक जाता है ये केक। अब विदाउट ओवन चेक कर लेते हैं, क्योंकि 20 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें केक कितना अच्छा फूला है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी केक होता है ये, और ये रेडी हो गया है कंप्लीट। अब चाहे तो आप इसे स्टिक से चेक कर सकती हैं, स्टिक इसके अंदर डालिएगा और उसे सेंटर में ही डालिएगा, और स्टिक्स पे अगर से बैटर आ जाता है तो समझ लीजिए थोड़ा कच्चा है, और अगर से जो है स्टिक बिल्कुल क्लियर आती है तो समझ लीजिए पक गया है। लेकिन ये केक यहाँ पे कंप्लीट पका हुआ है, ऊपर से भी गोल्डन हो गया है, तो इसलिए ये केक कंप्लीट पका हुआ है, इसलिए मैंने स्टिक से चेक नहीं करा है, इसे मैं सिंपल निकाल रही हूँ। निकालते वक्त एहतियात करिएगा, भगोना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है। और देखें करीब से मैं दिखा रही हूँ, देखें कुछ इस तरीके का बेक हुआ है ये, बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट का ये केक बनता है। इसके बाद हम केक को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन टाइम जो है यहाँ पे शॉर्ट था तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट जो है वो दिखा दिया। तो देखिए साइड पे जो है बटर पेपर नहीं थे, तो इसलिए हम साइड पे से सरफेस पे से हटाएंगे। तो यहाँ छुरी से मैं हटा रही हूँ साइडों को, के बाद मोल्ड से निकाल के दिखा रही हूँ आपको कि देखिए बैक साइड से भी कितना अच्छा गोल्डन बना है। और इसके बाद जो इसका बटर पेपर है ये हटा देते हैं। अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ये देखिए बैक साइड से मुझे इस तरीके का हो गया है, ये रंग देते हैं, हमारा केक बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखा देती हूँ। देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कटिंग से ही कितना सॉफ्ट केक है ये, तो ये बहुत ही गर्म हुआ हुआ है इस वक्त, इसलिए भाप निकल रही है। तो देखिए मैं करीब से भी दिखा रही हूँ कि ये कंप्लीट पका हुआ है, और बहुत अच्छा मज़ेदार केक है और बहुत सॉफ्ट बनता है। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा अगर से आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगी।
तो अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।